पश्चिम बंगाल में हुई महिला चिकित्सक की निर्मम हत्या का विरोध मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील मुख्यालय पर देखने को मिला है, जहां पर हत्या के विरोध में सभी शासकीय और अर्धशासकीय चिकित्सक 24 घंटे की हड़ताल पर रहे। इस दौरान शनिवार के दिन समस्त चिकित्सक मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ब्लॉक बागली के बैनर तले बड़ी संख्या में बागली मुख्यालय पर एकत्रित होकर पश्चिम बंगाल में हुई घटना का विरोध किया। इस दौरान सभी ने इस घटना को लेकर नम आंखों से श्रद्धांजलि प्रेषित की। सभी चिकित्सक रैली के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिया। इस दौरान मृतक महिला चिकित्सक की तस्वीर एवं तख्तियां लेकर सभी डॉक्टर रैली में सम्मिलित हुए। इस दौरान सभी ने मांग की है कि जिन आरोपियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनके खिलाफ सरकार उचित कार्यवाही कर फांसी दे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। जिन लोगों ने वो दुष्कर्म किया है, वो अपराधी हैं, मानसिक रूप से विकृत हैं, समाज के लिए कलंक हैं, और वो दिन पूरे समाज के लिए काला दिन है। किसी भी महिला को अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम की जगह पर इस तरह का डर का आभास फिर कभी ना हो पाए, इसके लिए सरकार को, प्रशासन को, लोकल प्रशासन को कोई ना कोई कड़ा कदम ज़रूर उठाना चाहिए। हम ये अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि कोई ना कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा, ताकि जब हम काम पर निकलें तो बिना डरे, बिना भय के काम कर सकें। बार बार पीछे मुड़कर ये ना देखें कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, किसी की नज़र ख़राब तो नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरीज़ों का इलाज करने के लिए निकलूँ, तो मन से बिल्कुल शांत महसूस करूं, सेफ महसूस करूं। और मेरी ही तरह वो सभी महिलाएं जो काम पर निकलती हैं, भले ही वो डॉक्टर हैं नहीं हैं, किसी भी काम पर निकलती हैं, दिन के किसी भी वक्त काम पे निकलती हैं, कुछ भी पहन कर निकलती हैं, किसी के भी साथ निकलती हैं, वो सेफ महसूस करें। यही प्रार्थना है दिल से कि हम लोग आगे बढ़ सकें। हमें नारी तुल्य, मानव तुल्य, ईश्वर तुल्य, आप किसी भी चीज़ से तुलना करें, पर हमारा सम्मान हमारे साथ हमेशा बना रहे, ये आप लोगों से हाथ जोड़ करबद्ध विनय है। धन्यवाद। जैसा कि सर्वविदित है, कलकत्ता में एक हमारी चिकित्सक साथी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधों के लिए निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि आगे से इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो। हम देखते हैं कि कुछ साल पहले निर्भया हत्याकांड हुआ था, लेकिन उसके बाद भी स्त्रियों की, नारियों की सुरक्षा के लिए समुचित कानून व्यवस्था और इंतजाम नहीं हुए, और पुनः कलकत्ता में इस तरह की घटना घटित हुई है। हम सभी चिकित्सक साथी आज यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि ऐसे जो चिकित्सक सर्वे संतु निरामया की भावना लेकर 24 घंटे काम करते हैं, उनकी सुरक्षा का निश्चित रूप से शासन प्रशासन और समाज को ध्यान रखना चाहिए, ताकि निर्भीक होकर वह सबकी सेवा कर सके। यही हमारा सबका यहाँ पर आज एकत्रित होने का उद्देश्य है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।